तो लगभग 1.5 से 2.5 घंटा बाइक चलाने के बाद हम लोग इन कर गए हैं वैशाली में। ले ले आबो एगो कोका कोला। एक भाई रास्ता में मिला था, वो बोल रहा था कि भाई चलो मेरे साथ उधर ही छोड़ देंगे, लेकिन यार भरोसा नहीं किए हम कि चलो यार मैप जब दिखाई रहा है तो मैप के साथ चले जाएंगे। तो प्लान हो चुका है पूरा चेंज। और मेरा दोस्त राजा बचपन का लंगोटिया यार, लंगोट पहने घूमता था, तो जाना था वैशाली और चले हैं हाजीपुर। बोल बम। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई एम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। और अभी मैं हूँ जिम पे और मैंने लक्की भाई को दिया था जो ट्राइपॉड और ये माइक, तो वो मैंने ले चुका है। और अभी हम लोग चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे, जो कि आगे मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो जरूर देख लेना भाई। मैप देखो तो किधर जाना है। सो वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। और आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही खास जगह पे, बहुत ही अच्छी जगह पे। उसका नाम है भाई वैशाली, जहाँ पे बुद्धा टेम्पल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। और हमेशा की तरह आज मेरा मूड सही नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश की हम लोग कि चलो चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, मतलब हर बार तो लेट होता है लेकिन आज औकात से ज़्यादा लेट हो गया है। लेकिन आज तो जाना है जैसे भी हो, रात के 11 बजे 12 बजे, और कोई भी कठिनाई प्रॉब्लम आएगा देखेंगे, लेकिन आज जाएंगे। तो करते हैं सीसा डाउन और चलते हैं मंजिल की तरफ। और मैंने ये भी सुना है कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्तों का आता है, तो चलते हैं और रास्ते भी देख लेते हैं कि कैसा रास्ता है और कैसा मंजिल है। चांदनी चौक से हम लोग अभी निकल रहे हैं, इधर से भगवानपुर, और उधर ही रूट से हम लोग जाएंगे वैशाली। और वहाँ का सारा सीन, सारा नज़ारा, सारी वादियाँ आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, छोटा वीडियो बने, और छोटी वीडियो में ही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या मज़ा आता है रास्तों का और कैसा मज़ा आता है मंजिल का। डर तो इसी बात का है कि जाम वाम लगा रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अभी एक तो एग्ज़ाम है और दूसरा चीज़ है बोल बम के लिए सब जा रहे हैं। बाइक में तेल भी नहीं है, 2 कुटिया तो हो सकता तो आगे हम लोग डलवा लेंगे। और जैसा कि मैंने मैप में देखा था और उधर की वीडियोस कुछ देखे थे यूट्यूब पे, जाते समय का रोड जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उधर बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। तो अगर कोशिश करेंगे कि टाइम मिल जाए तो उधर रास्तों में रुक के एक छोटा सा रील ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो उसके लिए वो देखने के लिए इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना हम लोग को, मुझे और रेहान दोनों को। आईडी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, तो भाई एक बार फॉलो कर लेना। और हम लोग पहुँच चुके हैं भगवानपुर, और यहाँ से हम लोग को और सीधा जाना पड़ेगा। सीधा है ना रेहान? मोबाइल पकड़ के रखना कहीं गिर ना जाए, क्योंकि अगर आराम आराम से चलेंगे तो 12 तो बज ही जाएगा। और इस वीडियो को मैं बहुत ही शिद्दत से बनाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग देख लेना। जाम तो यहीं से लग रहा है कि जाम थोड़ा बहुत है, नहीं ये तो लग रहा है कि बस रोके हुआ इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन आगे का पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ से हम लोगों ने बाइक लिया था, फुलार TVS खबरा में। तो ये रहा TVS का एजेंसी। ओहो ऊपर भी बन रहा है। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं रामदयालू से किधर है रेहान? बाएँ है, पटना वाला रोड में। तो मैंने देखा नहीं है, मैं इससे पहले हम कभी गए भी नहीं है वैशाली, तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उधर। एक बार शायद किसी के बाराती में गए थे रात में, तो उधर से हलवा दिखने वाला है कुछ। रोड बंद किया हुआ है क्या? रोड बंद है वो का इधर के? हाँ अच्छा आगे से है ना, चलो अच्छा गाड़ी वाला दो चक्का वाला जा सकता है ना, फोर व्हीलर जाने का ही नहीं है उपाय इधर से। क्यों ऐसा कुछ है क्या इधर? जाता है इधर से तो खोलना चाहिए ना, तब ना सब जाता। ना इंडिकेटर ना कुछ, ऐसे ही घुसा दे रहा है यार। यहाँ से किधर है भाई? सीधा इस रूट में फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, वो भी बाइक से। पटना एक बार गए थे वो भी बस से, फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा लॉन्ग रूट कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये आई थिंक 65 और 66 किलोमीटर ही है मुजफ्फरपुर से जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और ये सब रूट देखा वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम लोग पटना और इधर भी जाने वाले हैं, तो सब इधर ही रूट से जाएंगे। पटना भी इधर ही से जाता है, बैटरी भी ज़्यादा है नहीं फ़ोन का, तो नहीं होगा तो जहाँ पे लॉन्ग टूर होगा वहाँ पे थोड़ा सा कट कर देंगे। वाह सेवा दल है इधर बोल बम के लिए, बहुत अच्छे। अरे रेहान अभी तो चेक इन के लिए भी नहीं रुकेगा, चेक इन के लिए भी नहीं रोक सकता है,
क्या कि अभी तो सब बोलबम जा रहा है, किसकी किसको रोकेगा मतलब ना, चेक इन करेगा अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग सारा चीज बनवा चुके हैं, लाइसेंस से लेके हर चीज है अपने पास, तो कोई दिक्कत तो है नहीं अभी। ले आबो एगो कोका कोला। निकले हुए हो चुके हैं लगभग 45 मिनट, क्योंकि हम लोग 3 बजे निकले थे और रास्ता इतना अच्छा नजारा मिल गया कि सोचे थोड़ा सा रील वगैरह बना लेते हैं, उस कारण से थोड़ा सा लेट हो गया। और अभी बज रहे हैं 3:45 और हम लोग निकले थे 3 बजे, तो कोशिश करते हैं जल्दी से शूट करते हैं और निकलते हैं जल्दी मंजिल की तरफ। और रास्तों का मजा तो आ रहा है। हेलमेट के अंदर का दर्द दे सकते हो, पूरा पसीने पसीने, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है साला हेलमेट के अंदर में। तो बड़ी ही मुश्किल से एक पेट्रोल पंप मिल गया है, आगे ज्यादा ना डालिए, 28 डाल दिए। तो अभी हम लोग तेल डलवा चुके हैं और वहीं पे एक भाई साहब थे हवा डालने वाले, तो उनसे हम लोग हवा भी डलवा लिए हैं। और मेरे पास भी 1 रुपया चेंज नहीं था, रेहान के पास भी पैसा नहीं था चेंज, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई फ्री में डलवाना है, बोले हाँ, तो उन्होंने डाल भी दिया कि लो ठीक है फ्री में डलवा लो, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो हवा वाला था उसमें मतलब वो खराबी था कुछ मशीन में। और भाई इधर का नज़ारा अच्छा लग रहा है, बहुत ही हरियाली हरियाली नज़ारे दिख रहे हैं इधर के। और आगे जाते हैं, देखते हैं और कैसा नज़ारा आता है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, और फिर आगे जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान कट कर दे साले का, चलते हैं अब। सो गाइज, लगभग 3:45 निकले थे, अभी 5:20 हो रहा है, तो लगभग 1.5 से 2 घंटा बाइक चलाने के बाद हम लोग इन कर गए हैं वैशाली में, हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन एक बहुत ही मतलब बोलो तो बहुत ही बड़ा गलती हो चुका है हम लोग के साथ, मतलब क्या करे यार, इतना मतलब सुन के इतना तकलीफ़ हो रहा ना, क्या इतना बड़ा गलती हो चुका है कि हम लोग को अगर वैशाली जाना चाहिए तो जहाँ पे जाना है उसका लोकेशन डालना चाहिए था, और हम लोग क्या किए, डायरेक्ट वैशाली लिख के और मैप देख के हम लोग यहाँ पे आ गए। और इस साला कौन जगह पे चले हैं समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को जाना है अशोका पिलर जो है, तो वो सब जगह पे जाने के लिए अब दिखा रहा है 55 किलोमीटर, यानी कि 62 किलोमीटर अभी हम लोग चल के आए हैं, और यहाँ से हम लोग का 55 किलोमीटर और दिखा रहा है, हाजीपुर पार करके तब वहाँ पे जाना होगा। यही होता है जब आप नए नए कहीं दूर जाने की ट्राई करते हो और बिना किसी से पूछे कि बिना किसी से राय लिए। एक भाई रास्ता में मिला था, वो बोल रहे थे कि भाई चलो मेरे साथ, उधर ही छोड़ देंगे, उधर ही हम भी जा रहे हैं, लालगंज होके जाएंगे वैशाली, मतलब तुम चले जाना। लेकिन यार हम किसी भरोसा नहीं किए हम कि चलो यार मैप जब दिखा ही रहा है तो मैप के साथ चले जाएंगे, लेकिन हो चुका है हम लोग के साथ गेम, उसके साथ नहीं गए, भरोसा नहीं था यार, कुछ भी हो सकता था इसलिए। और यहाँ से अब दिखा रहा है 55 किलोमीटर वहाँ पे, और टाइम देख सकते हो 5:22 हो चुका है, तो वहाँ पे जाएंगे 55 किलोमीटर, लगभग 2 घंटे का रास्ता है, यानी कि 5:22, 6:22, 7:22, 7:30 हो जाएगा वहाँ पहुँचते। और फिर वहाँ से अगर अपने घर का रास्ता देखें तो वहाँ पे है लगभग 1 घंटा कुछ मिनट का रास्ता था, 36 किलोमीटर मात्र था वहाँ से, तो हम लोग गलत रूट में आ गए हैं। और यहाँ से हम लोग को पहले हाजीपुर और उसके बाद हम लोग को उधर ही से लालगंज होके तब वैशाली जाना पड़ेगा। तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से घर लौट जाएं या फिर यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाएं। मूड हो चुका है पूरा ऑफ और समझ नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें, इतनी सारी प्रॉब्लम को देखते हुए। अभी क्या है कि शाम हो चुका है, और अगर यहाँ से हम लोग अशोक स्तंभ और जो बुद्धा टेम्पल है वहाँ जाएंगे भी तो वहाँ सब चीज़ बंद हो चुका होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा जाने का। और इधर ही से रास्ते में पड़ता है हाजीपुर, जहाँ पर मेरा दोस्त अल्ताफ राजा है और वहाँ पर मेरी फूफू का घर भी है। तो क्या करते हैं हम लोग कि वहीं पे चले जाते हैं, रात को वहाँ रुक जाएंगे और सुबह में भोरवा में ही निकल जाएंगे जल्दी से। तो प्लान हो चुका है पूरा चेंज, और वैशाली के जगह हम लोग जाएंगे हाजीपुर। अरे भाई जाम लगा हुआ है क्या इधर? अच्छा जाम नहीं है, यहाँ पे घुमटी गिरा हुआ है इसलिए जाम है, तो यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब होगा मार इधर से उधर जाने का, सारा घुमटी खुलता नहीं है कि मार पड़ने लगता है, और इसी मार में हम भी हाथ धो रहे हैं। मैप देखते रहिए, कितना किलोमीटर है यहाँ से हाजीपुर? 14 किलोमीटर, और रोड ठीक रहा तो पहुँच जाएंगे जल्दी। तो हाईवे तो लग रहा है इधर, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किधर जाए रे? चल इधर ही से। सब घुसा रहा है इधर बाएं साइड से, तो घुसा दिए हम भी बाएं नहीं सॉरी दाएं साइड से। अच्छा इधर सेम है, यहाँ से तो हो ही गया है वो रोड, ये हाईवे नहीं है, छोटा सा हाईवे है। तो चलते हैं वैशाली, नहीं वैशाली नहीं, हाजीपुर। और जगह जगह पे कांवड़ियों का स्वागत के लिए संगठन क्या बनाया गया है, क्या बोलते हैं उसको, सेवा दल बनाया गया है सेवा के लिए।
और शाम हो चुका है, 6:09 तो सांझ बत्ती जला देते हैं। सुनना एक काम कर ना, राजा के घर का वो लोकेशन सेट कर दे, SDO रोड। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हाजीपुर। अरे थोड़ा थोड़ा क्या, समझो कि पूरा याद हो चुका है हमको रास्ता। बहुत दिन बाद आए हाजीपुर, तो मात्र 2 किलोमीटर बचा हुआ है। और रेहान बेचारा सोच रहा है अभी कि घर पे क्या बोले कि कहाँ चले आए हैं। तो गाइस बैटरी मेरा डाउन हो चुका था तो वीडियो जो है वो कट हो चुका था, लेकिन हम लोग पहुँच चुके हैं हाजीपुर में। और मेरा दोस्त राजा बचपन का लंगोटिया यार लंगोट पहने घूमता था, और रेहान तो अभी यहाँ का नज़ारा देखने से ठीक लग रहा है क्योंकि हम लोग हाजीपुर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे कल फिर सुबह में अपने घर के लिए। तो जाना था वैशाली और चले हैं हाजीपुर। बोलबम बोलबम सोचे कि वीडियो को एंड करते करते आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं। तो ये है हाजीपुर का पुल और नीचे है गंडक नदी, जो कि मैं सीन दिखा देता हूँ आपको। और ये है भाई पूरा गंडक नदी, बहुत ही दूर में वहीं पे हम लोग बहुत पहले आते जहाँ पे फोटो वगैरह हम लोग क्लिक किए थे। और ये रहा पुल, पानी का रफ्तार जो है बहुत ही ज़्यादा है और हिलकोड़ा भी मार रहा है बहुत ज़्यादा, छप छप कर रहा है NS1 जैसा समुंदर में होता है ना, उसी प्रकार का इसमें नदी में लहर मार रहा है।